यू ऑन अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऐसी पोजीशन में बैठ जाएं जहां आप अगले 5-10 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना हो। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन, राइट? आज आपको सिर्फ एक ग्लिम्स मिलेगा उस स्पेस का जहां हम आकाशिक रिकॉर्ड्स ढूंढने जाएंगे, राइट? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं। और ये ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी। हो सके क्या, मतलब कंपलसरी है अपने पास, पानी जरूर रख लें, क्योंकि पोस्ट मेडिटेशन, आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम मेडिटेशन के लिए तैयार होंगे अभी। तो प्लीज अपने पास पानी रख लें, जिससे कि आपको जब मैं मेडिटेट करवाऊंगी उसके बाद आप पानी पी सकें, राइट? मुझे पानी लेने जाना पड़ेगा मैम, पानी नहीं है साथ में। हाँ, प्लीज आप ले आइए, आप ले आइए। विल टेक 2 मिनट्स टू स्टार्ट। ये मेडिटेशन सिर्फ आपको एक इनसाइट देगा कि आप क्या एक्सेस करने वाले हैं, कौन से वर्ल्ड में आप जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम एक्चुअली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है इसी तरीके से मेडिटेट कराने का। ओके, सो वी बिगिन विथ इट। आप ओके सभी इस तरीके से बैठ जाएं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो। ओके, नाउ वील ब्रिंग आर एंटायर फोकस ऑन आर ब्रीदिंग। आप जैसे जैसे श्वास अंदर की ओर ले रहे हैं, आप अपने आसपास की सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं, और जैसे जैसे आप श्वास बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, आप अपने अंदर से हर स्ट्रेस, हर एंजाइटी को रिलीज कर रहे हैं। सो वील कंटिन्यू विद द सेम पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। इनहेल, वी इनहेल ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड एक्सहेल। बहुत कंफर्टेबली करेंगे, एकदम रिलैक्स होएंगे। जब हम एक्सहेल करेंगे, हम अपने दिमाग से हर थॉट, हर स्ट्रेस को निकाल देंगे। और जब हम एक्सहेल करेंगे, अगर फिर भी कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, तो उस थॉट को आप चैलेंज कीजिए। आप उस थॉट को बोलिए, ठीक है आओ, और वो अपने आप चला जाएगा। सो वील बी वेरी रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स होना है। अब जैसे जैसे हम ये ब्रीदिंग करते जा रहे हैं, हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, और कंफर्टेबल होते होते वी आर मूविंग फिजिकली नहीं, लेकिन हमारा माइंड मूव कर रहा है एक ऐसी जगह की ओर जा रहा है जहां बहुत शांति है,
एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर है, नेचर से कनेक्टेड है, बहुत ही सुंदर सीनिक ब्यूटी है। उस ओर धीरे धीरे आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हवा आपको अच्छी लग रही है, शीतल हवा है, आपको आसपास हर जगह नेचर ही नेचर से कनेक्टेड आप फील कर रहे हैं, और अंदर से आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। सो यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी रिलैक्स्ड, वेरी हैप्पी, एंड यू आर एंजॉयिंग बीइंग कनेक्टेड विथ नेचर। एज यू आर वॉकिंग थ्रू दिस स्पेस, आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, यू आर एबल टू सी अ ह्यूज स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा सा भवन है, हॉल है, वॉट एवर यू कैन इमेजिन, दैट इज योर ओन सेक्रेट स्पेस। अब हम आ रहे हैं अपने सेक्रेट स्पेस में। आप धीरे धीरे इस प्लेस में एंटर कीजिए। ये प्लेस आपकी प्लेस है। अब इस पॉइंट पे आप जिस भी डिवाइन सोर्स में बिलीव करते हैं, आप उनका आवाहन करेंगे, आप उनको बुलाएंगे। जिस भी डिवाइन एनर्जी में आपका फेथ है, आप उनको बुलाएंगे, और आप देखेंगे कि वो उसी हॉल में विराजमान है, उसी भवन में विराजमान है जहां आप जा रहे हैं। वो मुस्कुरा के आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप एक छोटे बच्चे की भांति, लाइक अ स्मॉल किड, यू आर जस्ट रीचिंग आउट टू दैट डिवाइन एनर्जी। द मोमेंट यू रीच देयर, यू हैव सो मच टू से, सो मच टू एक्सप्रेस, दैट टीयर्स जस्ट रोल डाउन योर चीक। आपके पास इतना, आप भावनात्मक हो गए हैं, इतना कुछ बताने के लिए है, इतना कुछ कहने के लिए है, कि आपकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। आप उनके पास बैठ जाइए। थोड़ी देर उनकी शरण में आप अपना सिर रख दीजिए, और अपने दिमाग से उन सारी भावनाओं को बह जाने दीजिए जो आपके दुख का कारण है। जो भी आप बताना चाहते हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं। वो आपके इस पूरे सफर में कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहे हैं, तभी आपका इंतजार यहाँ कर रहे थे। ये आप ही की सेक्रेट स्पेस है जो इस फिजिकल दुनिया से बहुत दूर है, जहाँ आप खुल के खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए, जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो कर लीजिए, और उन डिवाइन की आंखों में देखिए कितना प्यार है आपके लिए। वो मुस्कुराते हुए हर चीज सुन रहे हैं, और जैसे जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप रियलाइज करेंगे कि जैसे कुछ बताने को अब रहा ही नहीं। आप समय लीजिए, अपने मन की हर बात उनसे कर लीजिए।
अब आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये आपकी सीक्रेट स्पेस है। इस स्पेस में, उनकी छत्र छाया में आप हमेशा रहें। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करते रहें, और जब कभी भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो वो आपका मार्गदर्शन करें और आपकी सहायता करें। अब आप एक बारी फिर उन्हें प्रणाम कर लीजिए। जैसे भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वैसे अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दीजिए। और अब आप धीरे धीरे उस हॉल से बाहर की ओर आइए। आपका मन नहीं चाहता वहां से आना, वहां बहुत शांति है, लेकिन धीरे धीरे आप आइए और उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। धीरे धीरे आप वापस उसी नेचर की सराउंडिंग में आ गए हैं, और अब आपका मन बहुत हल्का है, आप बहुत प्रसन्नचित्त हैं इस समय। अब धीरे धीरे आप वापस वहीं आ रहे हैं जहां से आपने शुरू किया था। आप अपने रूम तक आ रहे हैं। अपने रूम से आप वापस उसी स्थान पर आ गए हैं जहां आप बैठे हुए थे। अब अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मूव कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए। अपने हाथ थोड़े से मूव कीजिए। और अब हम ग्रैटिट्यूड देंगे उन सभी डिवाइन सोर्सेस का जिन्होंने इस क्रिया में हमारी सहायता की। वी थैंक ऑल द डिवाइन एनर्जीज दैट हैव बीन अराउंड अस टू हेल्प अस थ्रू द प्रोसेस। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। और आपके पास पानी की बोतल है या ग्लास है, जो भी है, प्लीज हैव सम वाटर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो विल बी रियली ग्लैड इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी आप लोगों की, आई कुड फील। और देखिए, ये है, जो लोग नए हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग वो सब विजुअलाइज कर पाए हों। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करेंगे। जो लोग पहले से ही मेडिटेट करते हैं या आप लोगों को हैबिट है, तो आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस रहा होगा ये। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, ज्योति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑलरेडी टैरो करती हूँ, मैंने मास्टरी ऑफ लामा फेरा भी स्टार्ट किया हुआ है। तो जब मेडिटेशन करती हूँ आई फील सो एनर्जेटिक, ऐसा लगता है सब मेरे पास आके बैठ गए, लिटरली ब्लेसिंग दे रहे। और जो जो हाँ शांति मिलती है ना, वो एकदम अपरंपार।
आज अच्छा लगा, क्योंकि ये तो एस्ट्रो मेरा बहुत टाइम से मन था करूं, तो बिकॉज ये नवी चीज है एस्ट्रो, टैरो इज वेरी, हमें बहुत, मेरे को 18 साल हो गए टैरो करते हुए, हाँ जी, तो एस्ट्रो के हिसाब से अच्छा लगा। हाँ, तो मेडिटेशन अच्छी लगी मुझे, ऐसे मतलब तो थोड़ा सा जो माइंड में एक बातें थी ना, ऐसे होगा वैसे होगा, वो एक जगह आके स्टेप हो हाँ गई, ये चीज प्रॉपर चल रही है। जो तो एटीट्यूड, एक दूसरे से कनेक्शन सब है, जैसे मुझे आपसे बात करके कनेक्शन मिला, मुझे कनेक्शन पॉजिटिव हाँ मिला, बहुत। हाँ